बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये सबसे पहला फ्रॉक, ये देखें इसकी बॉडी की लेंथ और फ्रिल की लेंथ मैंने बिल्कुल एक जैसी ली है, और इस पर मैंने लूप्स लगाकर गले पर बटन लगाए हैं, और इसकी बॉडी पर वन साइड पर मैंने प्लेट्स डाली हैं और वन साइड पर मैंने इसका मोटिफ लगाया है, और इसके घेर पर मैंने पीको करवाई है, ऊपर की तरफ छोटी सी फ्रिल लगाई है, और पफ आस्तीन बनाए हैं, आस्तीन के फ्रंट पर भी मैंने पीको करवाई है। ये सेकंड नंबर ड्रेस है, इस पर मैंने ये प्लीट्स डाली हैं और इसका घेर मैंने बहुत बड़ा कटिंग किया है, तो ये देखें ये इक्वल हैं सारी प्लीट्स इसकी। फ्रेंड्स, इन फ्रॉक्स की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोज़ मैं का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वॉच कर लीजिएगा। ये अरे पट्टियाँ मैंने स्टिच की हैं और इनमें कोई बुकरम मैंने स्टिच नहीं की, ये वैसी फैब्रिक से स्टिच हुई हैं, और ये बटरफ्लाई मैंने यहाँ से कटिंग करके तो इनको मैंने गुम स्टिच किया और यहाँ पे मैंने इसके बॉडी पर ऐड किया है, और पफ आस्तीन लगाए हैं इसको मैंने, और बैक पर मैंने कट और हुक लगाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल के बने आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये थर्ड नंबर ड्रेस है, ये मैंने बहुत कम पीस से बनाया, ये आधा मीटर से थोड़ा ऊपर कपड़ा था, इसके गले पर मैंने कट बनाया है और मैंने इसमें डोरी स्टिच की है, और ये एक बटरफ्लाई मैंने बुकरम पर पेस्ट की है, और इस पर मैंने मशीन सादा सिलाई मशीन से मैंने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। इसकी शोल्डर नहीं है, ये देखें ये वन पीस में इसकी बॉडी स्टिच हुई हुई है, ये देखें इसका नेकलाइन भी जो है ना ये मैंने राउंड में स्टिच की है, और ये फ़ौरन से बन जाने वाला फ्रॉक है, इस पर कोई देर नहीं लगी, ये ओनली 5 से 10 मिनट्स में तैयार हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।